सो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज दोनों बच्चों में दाल और चावल का चैलेंज होने जा रहा है। शिवा और राज में जो बच्चा 3 मिनट में सबसे पहले खा के फिनिश करेगा उसे मिलेगा 500 रुपए का इनाम राशि। और देर न करते हुए दोनों बच्चों के लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है, 500 रुपए का इनाम राशि ले जा पाता है कि नहीं ले जा पाता है। तो देर न करते हुए बच्चों के लिए टाइमर स्टार्ट, बच्चों के लिए टाइमर स्टार्ट रेडी। और देखते हैं दोनों बच्चों में से कौन खा पाता है। 3 मिनट का समय दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 14 सेकेंड हुआ है और दोनों बच्चे फास्ट चल रहे हैं। देखो कौन 500 रुपये का इनाम राशि ले जा पाता है। और 1 मिनट होने वाला है लगभग, खाना फिनिश होने वाला है। देखो कॉल लगाता है 3 मिनट का समय। कोई दिक्कत हो तो पानी रखा है, पानी पी सकते हो। देखो शिवा परत बनाते हैं कि राजा परत बनाते हैं। और शिवा राजा में से दोनों कौन 500 रुपये का राशि ले जा पाता है। और 1.5 मिनट हो चुका है लगभग, खाना समाप्त होने वाला है। सलाद भी खाना है, सलाद भी खाना है तभी जीत पाओगे, तभी 500 रुपए का इनाम राशि ले जा पाओगे। जैसा कि 2 मिनट 5 सेकंड हो चुका है और लग रहा है शिवा को कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत हो खाना छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। तो शिवा को कोई प्रॉब्लम हो गया तो खाना नहीं खा पाए। और आप लोग देख सकते हैं कि 2 मिनट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि शिवा को कोई दिक्कत हो गया तो इसलिए खा नहीं पाए। और राजा दाल चावल खा के फिनिश कर लिए हैं। 3 मिनट नहीं हुआ, 2 मिनट 47 सेकेंड हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं दोनों थाली में से सिर्फ राजा का खाना फिनिश हुआ है और 500 रुपये का इनाम राशि राजा ही ले जाएंगे। तो 500 रुपये का इनाम राशि राजा ही पाएंगे। तो राजा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 500 रुपये पाकर अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।